पब्लिक टीवी आपकी आवाज। महाराज जी ने सत्संग पंडाल में उपस्थित भक्तों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर सभी का मनोबल बढ़ाया और ओम गुरुदेव नमः के जाप से भक्ति और ज्ञान की चर्चा प्रारंभ की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भगवान की भक्ति के लिए सभी दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्रोध द्वेष आवेश में कंट्रोल कर ले। साथ ही उन्होंने कहा कि जीभ पर भी सभी को नियंत्रण रखना जरूरी है। बोलते समय ब्रेक लगाएं, ब्रेक में तालमेल बनेगा तभी रिश्तेदारी और समझदारी आएगी। उन्होंने कहा कि मैं का प्रयोग ना करें, मन में भाव अच्छा रखें, बुरा ना सोचें, मेरा घर मेरा प्रेम मंदिर है, कर्मशील कर्मयोगी बने, ईश्वर के प्रति आस्था रखें। इस अवसर पर गुरु दीक्षा कार्यक्रम भी हुआ जिसमें करीब 125 भक्तों ने महाराज जी से गुरु मंत्र लिया। महाराज जी ने अपने संबोधन में देश हित में कार्य करने और सभी को गुरु मंत्र का फायदा बताया। इस अवसर पर उन्होंने देश हित में कार्य करने की बात कही तो साथ ही सभी से कहा कि निर्भीक निस्वार्थ भाव से जनहित की सेवा करें। व्यवस्था बनाने में प्रधान राकेश अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, आरसी शर्मा, अशोक कौशिक, राम प्रसाद शर्मा, अरुण कुमार शर्मा, रणवीर सिंह, विवेक शर्मा, सत्येंद्र रस्तोगी, गंगाराम, संजीव वर्मा, राजीव अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल, अतुल जौहरी के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। केवल रिपीट करता हूं 931-228-4390 ललित कुमार दिल्ली फोन करके ये किसी जगाने की प्रेम का वातावरण बनाने की शांति का वातावरण बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इस पर आप लोग जरूर ध्यान दें और किसी ने ये कागज लिखा हुआ तो दो लाइन इनके लिए बना देते हैं क्योंकि टाइम तो नहीं है। शरण में आओ बस सभी के लिए यही मंगल कामना है कि अपने प्रदेश की और अपने मुरादाबाद की शांति बरकरार रखें, प्रेम से रहें, एक रहें। औद्योगिक नगरी है, इसका विकास होना चाहिए। मुरादाबाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जा रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी अब एक बहुत बड़ी प्रगति कर रहा है। मैं यही कामना करूँगा कि मुरादाबाद बहुत मुरादें सबकी पूरी करे और इसको दिनों दिन प्रगति होती रहे। मेरी बहुत सारी मंगल कामना। लंबे अंतराल के बाद मुरादाबाद आना हुआ, आपकी बार का निमंत्रण देना हुआ। मैं बहुत जल्दी आने की कोशिश करूंगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।